हम आ गए हैं जाहिया मॉल। ये हमारा मोस्ट फेवरेट मॉल है। इतनी अच्छी डेकोरेशन की हुई है इन्होंने। ये लोग आगे आगे जा रहे हैं। मेरा ना बिल्कुल भी दिल नहीं चाह रहा बारबेक्यू का, और इनके आगे मैं हाँ हाँ कर रही हूँ। ये कह रहे हैं जबल जेस जाना है, और इन्होंने पूरा वीक थके रहना है, हम लोगों ने तो घर ही रहना है। लेकिन फिर उसके बाद आके पूरा दिन मैंने भी अगले दिन चीज़ें सिमटती रहनी, तो मतलब क्या फ़ायदा है। अभी तो बारबेक्यू किया, एक दो हफ्ते तो रुक जाएँ। तो मैं क्या करने लगी हूँ, हम लोग अभी टिक्के लेने जा रहे हैं ना, रेडीमेड मैरिनेटेड जो टिक्के होते हैं। तो मैंने कहना है कि मुझे ये अच्छे नहीं लग रहे, इनके फ्लेवर्स नहीं पसंद आ रहे, मैंने बहाना कर देना है और प्लान ये करना है। मेरा ये दिल चाह रहा है कि मैं इनसे कहूँ कि कहीं पर फाइन डाइनिंग कर लेते हैं। तो आपको पता है कि जो बीवियाँ होती हैं, प्लान चलता होनी चाहिए। बड़ा मुश्किल होता है इतनी मज़े मज़े की चीज़ें देख के ना, तो अपने आप पर कंट्रोल करना। और सच में मैं कुछ भी नहीं अब लेती वेट कंट्रोल करने के चक्कर में। अच्छा ये हैं टिक्के पड़े हुए ना, मेडिटेरेनियन डाइस चिकन ब्रेस्ट क्यूब्स, और ये भी टिक्के हैं। ये वाले फ्लेवर्स भी हैं, बारबेक्यू लेमन पेपर चिकन है। एक एक सारे उठा ले, मुझे इतने मज़े का लग नहीं रहे। चलो फ्लेवर आप बनाओगे वो जाहिर सी बात नहीं बनेगा, बट दिस इज हाउ इट हैज टू हैपन। ये देख लो फिर, दिस इज होल चिकन। सिद्धार्थ पता है शुरू शुरू में हम बच्चों के लिए मैं ऑनलाइन ही यहाँ से मंगवा लेती थी, और वो कितने अजीब सा फ्लेवर बनता, ना खाते थे ना मैं, बच्चे से शौक से खा लेते थे। रेडीमेड आया तो मैं पता है कि मेरे पास एक आइडिया है, एक आइडिया, वो आइडिया ये है कि हम लोग जो है ना कल मज़े से अच्छा सा तैयार होके कहीं पर फाइन डाइनिंग करेंगे। घंटे दो बैठेंगे, खाना खाएंगे और आ जाते हैं। आप इधर आओ सामने, आप अपना ओपिनियन दो। कल कहीं पे बैठ के बारबेक्यू करें या कोई अच्छी सी फाइन डाइनिंग विद नाइस से ड्रिंक्स कुछ ऑर्डर करें और बैठ के फाइन डाइनिंग। मैं वो फूड कोर्ट की बात नहीं कर रही, फाइन डाइनिंग। आप क्या कहते हैं यार, फाइन डाइनिंग सीरियसली यार? मेरा तो दिल चाह रहा है, ये टिक्के देखे ना मेरा मज़ा नहीं आया। मज़े नहीं देने टिक्के खाने हमने, तो फ्लेवर तो होना। फाइन डाइनिंग यार, टिक्के पे हम कर लें, किसी भी और टाइम कर सकते हैं। और साइड होगी बस, ये फाइन डाइनिंग। तो चलें कम से कम मजे का तो होगा, मजा आएगा खाने का, हम उसको मजे लेके खाने का। एक अच्छी जगह होती है, एम्बियंस अच्छी होती है और प्लेट्स अच्छी डेकोरेटिव होती है। मैं अंधेरा कर दूंगा वो होते हैं, हमें कह रहे हैं क्लास फील होती है। चेक करें, अंधेरा करके ना सब कुछ अच्छा लगता है। हाँ जी, अच्छा क्या आपने कुछ नहीं, मैं भी घर पे मैरिनेट कर देती हूँ, यही हो सकता है। रमादा चलते हैं, रमादा नहीं जाना, रमादा नहीं, चलो रमादा नहीं, ठीक है नहीं, रमादा से मैं दिल भर चुका है। फाइन डाइनिंग नहीं, कहीं और चलो जहाँ बफे वगैरह हो, समझे। अच्छा चले कुछ डिसाइड करते हैं, लेकिन मतलब यानी टिका नहीं। ओके ओके, दोनों तीनों जा रहे हैं खाली हाथ वापस। ये बीवियाँ करा लेती हैं जो भी कराना होता है। सोफ़ाज़ के यहाँ पे कलर्स और डिज़ाइंस हैं, तो ये देखिए कितने छोटे छोटे सोफ़ाज़ यहाँ पे हैंग हुए हैं डिस्प्ले पे, इतने मुन्ने मुन्ने सोफ़ाज़। मिशो आप यहाँ पे खड़े हो, आई वॉन्ट टू शो एवरी वन हाउ स्मॉल द सोफ़ाज़ आर। ये देखें ये सारे सोफ़ाज़, मिशो बैठ के भी इन सोफ़ाज से बड़ा है। लेट्स गो मिशू द किचन। ये प्लेट्स ओ 1929, ये बड़ी सस्ती हुई हुई है, वरना ये वॉटसन किचन तो बहुत एक्सपेंसिव होता है। वाओ रियली नाइस, प्राइस अच्छी रखी हुई है ना इन्होंने। शहजाद को हेडफोन्स चाहिए थे और पहुंच गए हैं हेडफोन्स देखने के लिए। ये तो वो थे ना जो हमारे पास पहले भी थे, है ना, 12 पॉट इंडोर हर्ब गार्डन किट, ग्रो योर गार्डन, घर के अंदर गार्डन ग्रो कर सकते हैं। धनिया उगाया हुआ इन्होंने, वाओ कितना बड़ा उगा हुआ है, ये इस तरह से है, नाइस ना। डेकोरेशन तो ख़त्म है ना यहाँ यूएई के मॉल्स में, मुझे ऐसा लगता है। आप लोग जिस जिस कंट्री में, बताना डेकोरेशन कैसी रहती है वहाँ पे। ये सारा कुछ जो है ना वो उन्होंने सीलिंग से हैंग किया हुआ नीचे तक, कैमरा में इतना फिर भी नज़र नहीं आ रहा, लेकिन यहाँ पे आते हैं ना तो इतने बड़े बड़े ये ऑर्नामेंट्स हैंग किया हुआ इन्होंने। मिशू आज कम कम, व्हाट हैपेंड, बी केयरफुल। ये कुछ दिन पहले की वीडियो थी हमारे जो गए थे ना कैंपिंग के लिए, उससे भी पहले की, जिस दिन मैंने आलू कीमा बनाया था शायद, आई थिंक उस दिन की वीडियो है।
तो ये है मेरे पास पीनट्स और इनको ना मैंने हल्की आग पे रोस्ट कर लिया है, ठीक है, कोई ऑयल नहीं डाला, कुछ भी नहीं, ड्राई रोस्ट किया है और इसके ना थोड़ा ठंडा होने दिया और फिर इसके अच्छे से छिलके उतर जाते हैं ना, तो बस मैंने इसके छिलके उतार लिए। मैं बनाना चाहती थी पीनट बटर लेकिन फिर उसके बाद हम लोग चले गए, मैंने सोचा कि कौन सा ख़राब हो जाएंगी तो आके कर लूँगी, तो अब ये लेटेस्ट वीडियो है। इन छुट्टियों में मैंने भी किचन को मिस किया और किचन ने भी मुझे बहुत मिस किया है क्योंकि बहुत सारी आइटम्स ऐसी हैं जो बना के स्टोर करने के लिए पाइल अप हुई पड़ी है, लिस्ट बनी पड़ी है। जैसे कि एक तो ये ग्रेनोला है, ग्रेनोला की ना मुझे दो तीन फ़ायदे होते हैं, एक तो ये कि नट्स हैं इसमें, योगर्ट के साथ इसको हम खाते हैं और ओट्स होते हैं, ओट्स तो आपको पता है वैसे ही सुपर फूड है, हर तरह के न्यूट्रिशन इसमें कंप्लीट ब्रेकफास्ट है ये, और क्या चाहिए। और सबसे अच्छी बात यह कि अगर मैं सुबह सुबह लेजी हूँ तो मुझे कुछ भी नाश्ते बनाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन कोई गिल्टी फीलिंग भी नहीं आती कि फैमिली को तरखा दिया कुछ ऐसा वैसा खिला के, मतलब बहुत अच्छा सा आप हेल्दी खिला देते हैं फैमिली को, तो बना के रखना मेरे लिए ये बहुत ज़रूरी होता है। दूसरी बात ये कि बच्चों की जब छुट्टियां ख़त्म हो जाएंगी ना तो मुझे उसके लिए भी बना के तो उनके लंच आइटम्स फ्रीज करनी है, तो बहुत सारे काम इकट्ठे हो गए, 10 दिनों बाद छुट्टियां ख़त्म भी हो जानी है। आज मैं इसमें रोस्ट करने लगी हूँ, नट्स और ओट्स है ना आज मैंने इसमें रोस्ट करने हैं, बड़ी जल्दी रोस्ट हो जाते हैं, बड़े अच्छे रोस्ट होते हैं, बड़ा मज़ा आता है, तो आज जनाब यही हम कर रहे हैं ज़बरदस्त किस्म का। ओहो ओके 160 डिग्रीज पे इसको मैं करूँगी 4 मिनट्स के लिए, 4 के बजाय मैंने 3 मिनट्स किया, फिर मैंने उसको थोड़ा सा मिक्स कर दिया और फिर उसके बाद मैंने 1 मिनट और किया या शायद 2 मिनट और किया, वो आप अपने हिसाब से देख लेना क्वांटिटी कितनी है नट्स की। और लास्ट में बिल्कुल मैंने ये पम्पकिन सीड्स डाल दिए क्योंकि इनको ज़्यादा टोस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, ये कड़वे हो जाएंगे, तो इनको आखिरी 3 मिनट्स मैंने रखा था, लेकिन जस्ट ऐसे आई थिंक 1-1.5 मिनट के बाद मैंने इनको निकाल लिया था। बस मतलब आपने नज़र रखनी है इसके ऊपर कि नट्स जला नहीं देने। तो उसके बाद फिर मैंने ये जो रोल्ड ओट्स होते हैं ये डाले हैं, इंस्टेंट ओट्स जो होते हैं उसका ग्रेनोला ये वाला मज़े का नहीं बनता, वैसे ये मेरा अपना मानना है, मैं किसी दिन ट्राई करूँगी, तो जो क्वेकर ओट्स जिनको आप बोलते हैं ना, तो वो वाले उनसे भी चलो कभी ग्रेनोला बना के देखेंगे, अगर अच्छे बन गए तो आप उससे भी बना सकते हैं। वैसे मैंने पाकिस्तान की वेबसाइट्स खोल के मैं देख रही थी, ये वाला जो रोल्ड ओट्स जो होते हैं ना ये ज़्यादा सस्ते मिलते हैं, आप ज़रूर ट्राई करना, मुझे आप कॉमेंट सेक्शन में बताना कि आप में से कितने लोग, पाकिस्तान में ज़्यादा रिवाज नहीं है वैसे ओट्स यूज़ करने का, मेरे कहने पर कितने लोगों ने अपने घरों में ओट्स यूज़ करने शुरू किया, मुझे ज़रूर बताना, ठीक है, और उसका रिजल्ट भी आप मुझे जरूर बताना। चलें जी अब बनाते हैं पीनट बटर, इतने ये कोई मज़े की होती है और घर पे बनानी इतनी आसान है कि आपको मज़ा आ जाएगा। तो मैंने ये पीनट्स डाली हैं फूड प्रोसेसर में और ये बारीक बारीक सी हो गई है ना, तो इसमें मैं डाल दूँगी चीनी और साथ में इसमें डाल दूँगी नमक, ठीक है, और उसके बाद फिर मैं इसको दोबारा से इसको मैं ग्राइंड कर लूँगी। आप चाहें तो आप इसको फूड प्रोसेसर की बजाय आप इसे ब्लेंडर में भी कर सकते हैं, लेकिन उसमें ना फिर देर बहुत ज़्यादा लगती है, आप इस तरह से बारीक पाउडर इसमें बना लें और उसके बाद आप ब्लेंडर में इसको ट्रांसफ़र कर लें, आप इस तरह भी कर सकते हैं, ठीक है। तो बस इसको मैं इसे पल्स कर रही हूँ और बस ये करते करते ना ये अपना ऑयल खुद ही छोड़ देती हैं पीनट्स और फिर इसकी जो है ना मतलब पेस्ट बन जाती है, लेकिन टाइम बहुत 15-20 मिनट आपको ब्लेंडर में लगेंगे। तो मैं चूँकि चॉपर में बना रही हूँ तो मैंने लाइफ अपनी और आपकी करनी है आसान, तो इस वजह से मैं आपको बताने लगी हूँ शॉर्टकट। तो चूँकि आप चॉपर में जितने भी देर करते रहेंगे इसी तरह ही पाउडर सा बना रहेगा, लेकिन उससे ज़्यादा क्या हो जाएगा, कुछ भी नहीं होगा। तो मैं इसमें डालने लगी हूँ ऑयल, तो मैं डाल रही हूँ ऑलिव ऑयल, जो सा भी ऑयल आप खाते हैं ना बगैर पकाए मतलब कच्चा खा लेते हैं वो वाला ऑयल आप इसमें डाल दें, आप कोकोनट ऑयल खाते हैं वो भी आप डाल सकते हैं, नहीं तो ऑलिव ऑयल डाल लें, तो वो डाल के ऑयल, तो मैं इसको जनाब कर रही हूँ मतलब यानी ग्राइंड कर लूँगी, तो ये अब इसकी पेस्ट बनना शुरू हो गई है, ठीक है। तो अब जो है ना अगर आपको बिल्कुल स्मूथ क्रीमी चाहिए तो अब आप इसको ब्लेंडर में डाल लें, तो ये देखें लिक्विड सी फॉर्म में आ गई है ना, तो ब्लेंडर में अब ये अच्छी सी बिल्कुल फाइन पेस्ट बन जाएगी, लेकिन अगर आपको ज़रा सी ग्रेनी चाहिए जैसी मैं आपको अभी ये दिखाने लगी हूँ, तो फिर ये चॉपर ही ठीक है, इतने बर्तन क्या हमने ख़राब करने हैं ना, वो जो मेरा फेमस डायलॉग है कि हमने खुद ही घर पर ही खानी है ना, तो बस वही सही है। मैं इसमें मार्जरीन डालने लगी हूँ और आप चेक करें मैंने कितने टाइम के बाद चूल्हा ऑन किया है कितने दिनों के बाद, ओ हो तो फ्लेम हल्का करना।
ओट्स जो है ना वो मैंने 3 कप डाले थे एक दफ़ा, और दूसरी दफ़ा 3 कप और डाल के भी मैंने ना टोस्ट किए हैं, तो टोटल 6 कप है। तो अब मैंने डाला है बटर, मतलब बटर मार्जरीन जो भी आप डालें, मेरे बटर को तो शहजाद ने सारा वो चिकन लगाया हुआ ना, तो मैंने मार्जरीन डाला है उसमें, साथ ब्राउन शुगर डाली है, हनी डाली और थोड़ा सा पानी डाल दिया, ठीक है। और अब ये लास्ट में मैं सिनेमन पाउडर डाली हूँ। ये मैंने कोई मेरा ख्याल है 1000 दफ़ा रेसिपी शेयर की हुई है, जब भी बनाती हूँ इसलिए शेयर कर लेती हूँ क्योंकि ये मुझे इतनी पसंद है ये रेसिपी, तो मैं सोचती हूँ कि चैनल पर बहुत से लोग है तो चलो वो भी देख लें, कौन पुरानी निकाल निकाल के रेसिपीज ढूंढेगा, तो चलो ये देख लें। तो बस जब ये बीच में ना सारा कुछ लिक्विफाई हुआ है, शुगर एब्जॉर्ब डिजॉल्व नहीं होगी ऑब्वियसली ब्राउन शुगर, जब बस लिक्विफाई हो गया सब कुछ, तो मैंने इसके अंदर ओट्स डाल दिए और जल्दी जल्दी मिक्स करना है आपने। आपको लगे कि मिक्स प्रॉपरली नहीं हो रहा, कोट नहीं हो रहा लिक्विड सारे ओट्स के ऊपर, तो थोड़ा सा पानी और डाल दें, और साथ ही मैंने नट्स भी डाल दिए। मिक्स हो गया ना जब सारा कोट हो गए, ओट्स नट्स डाल दिए हैं, और अब हल्की सी आग पर ना हमने इसको बस इतना सा रोस्ट करते रहना है कि जो ज़रा सी नमी थी ना वो ख़त्म हो जाए उसमें से, क्योंकि पानी डाला था ना तो नमी आपको इसमें से ख़त्म करनी है। तो बस ओट्स जो है ना वो सॉरी ग्रैनोला जो है वो तैयार हो गया, और रूटीन में के कपड़े भी धुलने के लिए डाल दूंगी, जो काम है साथ साथ वो भी चलते रहते हैं। अच्छा इसका भी मैं रिव्यू दे देती हूँ, ये बड़ा अच्छा जा रहा है, मैंने डे टू डे से लिया था, ये बहुत बहुत अच्छा सर्फ है, और ना इसकी बिल्कुल भी ना तो ये कलर फेड कर रहा है ना ही ये ख़राब कर रहा है कपड़ों को, तो मैं तो बड़ी हैरान हुई हूँ कि इतना सस्ता और इतना अच्छा भी मिलता है। वो तो बायकॉट करने वाला सीन आ गया तो लाइफ आसान हो गई है, वरना तो हमें एक ही तरफ लगे हुए थे हम, तो ये तो काफ़ी कॉस्ट इफ़ेक्टिव रहा है। जब ये ग्रैनोला थोड़ा ठंडा हो गया ना, तो मैंने इसके अंदर डाल दिए थे वो ड्राइड ब्लूबेरीज़ और ड्राइड क्रैनबेरीज़ थी, तो वो तो शुगर फ्री हैं, वो डिहाइड्रेटेड हैं, लेकिन ये वाली जो है ना स्ट्रॉबेरी, तो ये शुगर वाली होती है। लेकिन बहरहाल वैसे ब्राउन शुगर भी डाली हुई है, हनी भी हमने डाली हुई है, वो शहजाद की जो चॉइसेस प्रेफरेंसेस होती है उसी हिसाब से ग्रैनोला बनाती हूँ। अगर आपने बिल्कुल इसको अच्छे से हेल्दी वे में बनाना है तो आप इसमें ब्राउन शुगर मिक्स कर सकते हैं, और वो वाले फ्रूट जैसे ड्राई फ्रूट जिस पे शुगर लगी हुई है उसको आप स्किप कर सकते हैं। तो बस मैंने इसको डाल के मिक्स कर दिया, बिल्कुल जब ये रूम टेम्परेचर पे आ जाएगा ना तब मैं इसको डाल दूंगी कंटेनर में, क्योंकि गरम गरम डाल दिया ना तो फिर इसकी आपको पता है स्टीम निकलेगी और फिर गीला सा हो गया तो इसको फंगस लग जाएगी, तो बिल्कुल रूम टेम्परेचर पे आने दें और फिर उसके बाद बॉक्स में डाल के सील करें। इस किस्म की पीनट बटर जो है ना वो तैयार हो गई, टेस्ट इसका एग्जैक्टली वही पीनट बटर वाला है जो हम इतनी महंगी लेते हैं, और स्पेशली पाकिस्तान में जितनी महंगाई हुई हुई है मुझे बहुत सारी कंप्लेंट्स आती है कॉमेंट की फॉर्म में कि ये चीज़ें जो आप यूज़ करती हैं ये हमें बहुत महंगी पड़ती हैं पाकिस्तान में, मैं बिल्कुल समझ सकती हूँ इस बात को, तो मैं सोची थी कि चलें आपसे ना शेयर करते हैं। आप देखें कितना आसान है, पाकिस्तान में तो ये है कि आजकल सर्दियां हैं तो हर थोड़ी जगह पे रेडी लगी होती है जहाँ पे पीनट्स मिलती हैं, तो आपको तो ये मूंगफली जो है ना इसको रोस्ट करने की भी ज़रूरत नहीं, चूल्हे पे जाके आप जो है ना वो रेडी से मूंगफली खरीदें, उनको छीलें, उनके छिलके उतारें और आप इनको इस तरह से पाउडर बना लें, और बस आप उसमें चीनी डालें, ऑयल डालें और साथ में आप उसमें नमक डालें तो पीनट बटर तैयार हो जाएगी, और इसको जब तक चाहे रखें और इसको यूज़ करें, रूम टेम्परेचर पर रखें, एयर टाइट कंटेनर में, बस इसमें गीली चम्मच ना डालें, तो फ्रिज में भी रखने की ज़रूरत नहीं, चाहे तो फ्रिज में रख लें आपकी चॉइस है। और अगर आपने थिक बनानी है जैसी मार्केट से मिलती है बहुत थिक वाली, तो फिर आप इसमें ऑयल ना डालें। एक और मज़े की चीज़ आपसे शेयर करती हूँ, वो है नटेला। नटेला मैंने आपसे पहले शेयर की हुई है, वो मैंने बादाम के साथ आपसे शेयर की हुई है, मेनली वो बनाई जाती है हेजल नट से, और हेजल नट्स जो है एक तो बहुत महंगे मिलते हैं और हर जगह आसानी से नहीं मिलते हैं, और इसलिए मैंने आपको बादाम से शेयर की हुई थी, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी अपनी उस वीडियो का, तो वहां से आप एग्जैक्ट रेसिपी भी देख सकते हैं। लेकिन अभी हम क्या करेंगे कि अभी इसी पीनट बटर को हम कन्वर्ट कर देंगे नटेला में, तो एक तो जो लोग बायकॉट कर रहे हैं और जो जिनको अल्टरनेट चाहिए नटेला का, उनके लिए भी हेल्पफुल हो जाएगा कि फॉरेन कंट्रीज में हर जगह नटेला नजर आती है सॉरी, लेकिन वो यूज नहीं करना चाहते तो उनके बच्चे ये वाली नटेला खा सकते हैं, और जो पाकिस्तान में है जिनके लिए नटेला जो है काफी एक्सपेंसिव रहती है, लेकिन मदर्स का दिल चाहते हैं कि हमारे बच्चे भी नटेला मांगते हैं शौक से तो हम भी उनको खिलाएं, तो वो इस तरीके से बना सकते हैं। मेरा अपने मुंह में पानी आ रहा है। इसमें आपने क्या करना है, इसमें आपने सिर्फ चीनी थोड़ी सी ज्यादा डालनी है, कोको पाउडर डालना है, जो फेवरेट चॉकलेट आपके बच्चों की थोड़ी सी वो मेल्ट करके इसके अंदर डाल दें, और जबरदस्त से आपकी नटेला तैयार हो जाएगी, हेजल नट्स डालने की जरूरत नहीं है। ये पीनट बटर बनाएं, जितना भी बनाना है डबल बैच में बना लें, आधा अपने लिए पीनट बटर साइड पर कर लें, बाकी में कोको पाउडर डाल के बच्चों के लिए बना लें। तो इसमें मैं डालने लगी हूँ थोड़ी सी ज्यादा चीनी, चीनी और अब आपने ना अपने हिसाब से डाल दी है, ठीक है।
और कोको पाउडर जो है ना वो इसमें मैं ऐसे थोड़ा सा चम्मच ले लेती हूँ, ये भी आधा से टेबल स्पून, यानी कि जो मेजरमेंट वाला टेबल स्पून है ना वो ऐसे कह लें कि वो 1 टेबल स्पून मैंने डाला है। और अभी मैं इसको मिक्स करके देख लेती हूँ कि मुझे और जरूरत है या नहीं है। अगर आपने भी कोई चॉकलेट डालनी है तो फिर ये देख लेना कि चीनी उस हिसाब से कम डालना, पहले ही चीनी इतनी ज्यादा ना डाल देना। तो मेरे पास ये है वो कुकिंग चॉकलेट, तो ये मैं थोड़ी सी डालने लगी उसके अंदर। वैसे आपने मेल्ट करके डालनी है, मेरे वाली हरकत नहीं करनी, मैं सिर्फ आपको दिखाना चाह रही हूँ। मैंने जो पहले निटेला बनाई थी ना वो मैंने बनाई थी ब्लेंडर में, तो उससे बहुत फाइन बिल्कुल निटेला, आपको पता है ना कि हाथ पे ऐसे यूं आप देखेंगे तो उसमें कोई ग्रेन नहीं होता, बिल्कुल पेस्ट होती है। तो ये वाली जो है चूंकि हमने ये देखें मिक्सर में बनाई है तो इसके ऊपर तो ग्रेन्स हैं, तो आप इसी को बाद में लास्ट में ब्लेंडर में कर लेंगे ना तो बिल्कुल फाइन पेस्ट बन जाएगी। तो ये है जी पीनट बटर, हफ्ते के बाद किचन में आई थी, आई तो बड़े शौक से थी लेकिन ज़रा काम भी ज़रा स्लो हो रहा था और पता नहीं इतना हो ही नहीं रहा था, तो होना ये चाहिए था कि मैं इस स्टेज पे इसको पहले ब्लेंडर में डालती, इसकी स्मूथ सी पीनट बटर बनाती और उसके बाद थोड़ी सी पीनट चॉप करके इसके अंदर डालती तो तब मज़े की वो क्रंची पीनट बटर का एंड रिज़ल्ट आपको दिखाती। बट आपको पता ही है इसको ट्राई करना आप उस तरीके से, स्टेप्स मैंने आपको बता दिए और बाकी ये इसको भी ब्लेंडर में डालना था बट मैंने सोचा इतने बर्तन क्या भरने हैं, मैं नहीं खाना ना, खैर ही है। तो आप लोग वो स्टेप्स फॉलो कर लेना और अगर आपको एग्जैक्ट वो जो ब्लेंडर वाले भी देखनी है तो वो फिर आप मेरा लिंक देख लेना, वो तो आप सबने ट्राई भी की थी और आपको बहुत मज़े की भी लगी थी। हाँ एक फ़र्क ज़रूर आएगा कि जो पीनट बटर है ना, पीनट्स का आपको पता है टेस्ट काफ़ी स्ट्रांग होता है, तो निटेला जो पीनट्स का आप बनाएंगे तो उसमें मूँगफली का टेस्ट आएगा, जबकि बादाम वाली निटेला जो बनाते हैं ना आप तो उसमें टेस्ट नहीं आता बिल्कुल भी बादाम का। तो अगर आपके पास हेज़ल नट्स हैं तो आप इसी मेथड से हेज़ल नट्स वाली निटेला भी बना सकते हैं। तो ये थी जी मेरी तैयारी, कंप्लीट हो गई अल्हम्दुलिल्लाह। बस इसको मैं स्टोर करने लगी हूँ और जो निटेला और साथ में जो पीनट बटर है वो कैसा बना है और उसके अंदर हम क्या चेंजेस कर सकते हैं, क्या क्या आइडियाज है मेरे पास उसके लिए, वो मैं आपसे अब ब्रेकफास्ट में शेयर करूंगी। जब मैं ये खाऊंगी तो मैं आपको खुद मैं रिव्यू दूंगी, ठीक है, बाकियों से तो मैं नहीं रिव्यू दूंगी, मैं आपको डिफरेंट आइडियाज उसके दे सकूँ। बच्चे तो पीनट बटर नहीं खाते तो पीनट बटर शरारत भी नहीं खाते, इसलिए मुझे लगता है ये कि रिव्यू को देना पड़ेगा। शरारत आप टेस्ट करेंगे पीनट बटर होममेड वाला? ठीक है, टाइम आप ट्राई करोगे? लेकिन इट्स ओके आप खाते नहीं हो, आप बेशक ना खाना जो भी तो नहीं आपको। मिशी वुड यू लाइक टू ट्राई पीनट बटर दैट मम्मी मेड? मिशी कह रहे नहीं ट्राई करेगा। चले थोड़ी देर में अब हम निकलने लगे हैं तो आपसे मिलते हैं अभी। बस ये बन गया, रेडी हो गया, डेढ़ बॉटल बन जाएगी। ये ओट्स की बॉटल्स है मैंने संभाल के रखी होती है, इसी में मैं डालती जाती हूँ। थोड़ी देर में आपसे मिलते हैं फिर से।